फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू लक्ष्मीश्री स्टॉक टू वॉच सीरीज। यहाँ हम 8 जनवरी 2020 के लिए अपनी वॉच लिस्ट बना रहे हैं। तो पहला शेयर जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है गेल का। गेल पिछले 2 दिन से एक नैरो रेंज फॉर्म कर रहा है और अगर इसके टॉप्स और बॉटम्स को कनेक्ट करें तो ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न है और कल का पिवोट एकदम नैरो है, तो ट्रेंडिंग डे का एक्सपेक्टेशन रहेगा। बुल्स अगर वॉयलेंस के साथ 126 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी वीकली R1 जो 130 के आसपास है यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। वहीं मंथली R1 भी है तो 130 एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील भी पिछले 2 दिन से एक नैरो रेंज में चल रहा है और अगर बुल्स वॉयलेंस के साथ 172 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो इस स्टॉक में फ्रेश अप ट्रेंड बनेगा। जो वीकली R1 178 के आसपास है वहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। वहीं अगर बेयर्स वॉयलेंस के साथ इस रेंज को डाउनसाइड में तोड़ देते हैं तो थोड़ा डीपर पुलबैक टूअर्ड 20-डे मूविंग एवरेज और वहीं पे वीकली पिवोट का कन्फ्लुएंस है तो इस जोन तक आ सकता है जो 156.78 पे प्लेस्ड है। ब्रॉडली स्पीकिंग कल के सेशन में प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा कि इसमें किस साइड ट्रेड करना है। बायस हमारा स्टॉक पे पॉजिटिव है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है M&M फिनेंस का। कल के एक डीप कट के बाद, इनिशियल आवर्स में जो डीप कट आया था उसके बाद से एक छोटी रेंज बना के ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कल के सेशन के लिए पिवोट रेंज जो है वो इनसाइड वैल्यू की है जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो कल के सेशन में अगर बेयर्स वॉयलेंस के साथ 320 के नीचे ट्रेड कराने में कामयाब हो जाते हैं तो इस स्टॉक में फ्री फॉल आ सकती है और ये अपना मंथली S1 जो 305-306 की जोन में है यहाँ तक ये कल स्टॉक टेस्ट कर सकता है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है मारुति का। मारुति में भी लगभग M&M फाइनेंस जैसा सेम पैटर्न है कि कल के इनिशियल डीप कट के बाद एक स्टॉक में ये रेंज ट्रेड कर रहा है और अगर बेयर्स वॉयलेंस के साथ 7045 तोड़ने में कामयाब हो गए तो इसमें डेली S1 और वीकली S2 और मंथली S1 तीनों का कन्फ्लुएंस ब्रेकडाउन होगा और ये इमीडिएटली इस स्विंग लो को 6950 के आसपास जो है इसको टेस्ट कर सकता है और इसके नीचे स्टॉक में काफ़ी तेज़ गिरावट आएगी जो 6500 तक भी आ सकती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 6950 स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा और उसके नीचे शॉर्ट्स ओपन कर सकते हैं। इंटरडे ट्रेडर्स के लिए 7045 का लेवल महत्वपूर्ण रहेगा। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस पे हम पिछले कुछ दिन से साइडवेज टू नेगेटिव बायस बनाए हुए हैं और कल के फॉल के बाद आज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद स्टॉक ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो कल के सेशन के लिए ऑन दी अपसाइड इसमें एक मेजर रेसिस्टेंस जोन है जहाँ डेली पिवोट्स हैं, वीकली पिवोट्स हैं और डेली R1 है और जस्ट ऊपर देखें तो 50 और 20 डे मूविंग एवरेज का भी रेसिस्टेंस है। तो स्टॉक में हमारा बायस थोड़ा सा नेगेटिव है और अगर बेयर्स वॉयलेंस के साथ 15-20 के नीचे ट्रेड कराने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इमीडिएट स्विंग लो 1505 के आसपास जो है इसको टेस्ट करेगा और इसके नीचे फिर इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ गिरावट आएगी 1485 से 1470 के बीच में। तो इस स्टॉक में हमारा बायस नेगेटिव है अगले 1 से 2 हफ्ते के लिए। डेली ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।